हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जहां ईशान अंदर से बुरी तरह से टूट चुका है और गुस्से में आग बबूला हो चुका है, क्योंकि ईशान को ये लगता है कि उसकी माँ ईशा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और इसी बात से ईशान काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान भी है, क्योंकि ईशा उसके कॉलेज में आई और ईशा ने एक बार भी उससे उसका हाल नहीं पूछा और ना कोई बात की। ईशा ने सिर्फ सभी को लेकर ही बात की और यही बात ईशान को बुरी तरह से चुभ गई है। तो वहीं ईशान की इन सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए ईशान के सामने सच्चाई लाने वाली है अश्मिता। जी हाँ दोस्तों, अश्मिता बताने वाली है ईशान को पूरा सच और दिखाने वाली है उससे एक सीक्रेट वीडियो। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ अश्मिता ईशान को पूरा का पूरा सच बताती नजर आने वाली है कि जब ईशान बहुत छोटा था तो ईशा की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वो अपने बेटे को अकेला छोड़ गई भोसले हाउस में, और साथ के साथ ये भी बताएगी कि सुरेखा ने क्या कुछ किया था उसकी माँ के साथ और क्यों किया था सुरेखा ने ये सब। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अश्मिता एक सीक्रेट वीडियो दिखाएगी ईशान को, जिसे देखकर ईशान को ये पता लग जाएगा कि सुरेखा का खुद का कोई बच्चा नहीं था और वो शुरू से ही ईशान पे अपना अधिकार जताती रही। शुरुआत में ईशा ने कभी भी इस चीज़ को लेकर बुरा नहीं माना, लेकिन जब ईशा अपनी आई बाबा की वजह से मजबूर होकर अपने घर को छोड़ के जाने को तैयार हो गई थी, क्योंकि ईशा के आई बाबा काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, वो बीमार हो गए थे, उन लोगों के पास खाने पीने तक को पैसे नहीं थे और जिसके चलते अपनी आई बाबा की देखभाल के लिए ईशा को घर छोड़ के जाना पड़ा और भोसले परिवार ने ईशा को उसके बेटे ईशान को देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। जहां ईशा अपने बेटे के लिए उन लोगों के आगे रोती रही, बिलखती रही, अपने बेटे के लिए भीख मांगती रही, लेकिन सुरेखा और राव साहेब ने ईशान को नहीं दिया और उसे अपने पास रख लिया ताकि वो ईशान को पूरी तरह से अपना बना ले। तो वहीं दोस्तों, शो का अपकमिंग ट्रैक बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां अश्मिता ये सीक्रेट वीडियो दिखा देगी ईशान को। तो क्या ईशान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने भी अपनी माँ के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है इतने सालों तक? आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।